इस पर डाल देना और दो सूरे उनको पक्के तर्जुमे से याद दिला, दो सूरे। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत यह है, हर नफिल नमाज में दो सूरे ज्यादा पढ़ते थे, पहली रकात में सूरे काफिर, दूसरी रकात में सूरे इखलास। पहली रकात में क्या है? सूरे काफिर। दूसरी रकात में सूरे काफिर में क्या पैगाम है? बोल लिया अय्युहल काफिरून, ऐ काफिरों, ला आबुदु मा ताबुदून, जिसकी तुम पूजा करते हो हम उसकी पूजा नहीं करते, वला अंतुम आबिदून मा आबुद, तुम लोग वो हैं जो बुतों की पूजा करने वाले, उस अल्लाह की पूजा नहीं कर सकते जिसकी मैं पूजा कर रहा हूं। वला अना आबिदुम मा अबदतुम, और ना मैं तुम्हारे उन बुतों की पूजा कर सकता हूँ जिसकी तुम पूजा। लकुम दीनुकुम वलिया दीन, तुम्हारा दीन तुम्हारे साथ मेरा दीन। जब ये दिमाग में बैठेगा तो कोई बच्चा किसी और की पूजा के लिए तैयार हो सकता है? कोई बच्ची जिसको खगा के ले जाए ये सूरा याद हो गया तर्जुमा के साथ याद दिलाए, कभी किसी और की पूजा कर सकती है? याद दिलेंगे ना भाई? मकातिब में भी, मदारिस में भी, हर हर बच्चे को सूरे काफिर याद दिला। दूसरा कुल हुवल्लाहु अहद, सवाल पैदा होता है जिस अल्लाह की पूजा कर रहे हो कैसे? कुल हुवल्लाहु अहद, वल्ला क्या है? एक। अब एक भी दो के नीचे रहता, दो के ऊपर रहता, जिसको अरबी में वाहिद बोलते, समझ रहे ना? दस के ऊपर नौ, ठीक है, नौ के ऊपर उसके ऊपर, ऐसा ही दो के ऊपर उसको बोलेंगे वाहिद। अहद वो है जिसका कोई हम मिसाल है ही नहीं। अहद अल्लाह एक है, ये एक दो के ऊपर का नहीं होता है, दो के ऊपर का वो तो दो लगा हुआ है ना, अल्लाह ने इससे भी खाली अहद है, बिल्कुल एकता है, उनको नंबर वन का मसला नहीं है, नंबर वन से भी हटके अहद है, वाहिद एकता है, वो जिनका कोई नंबर ही नहीं। अल्लाह क्या है? बेनियाज। क्या मतलब बेनियाज? किसी के मोहताज नहीं है, सारी दुनिया उनकी मोहताज। बाज़ नौजवानों को शकूक शुबहात पैदा कर, बाज़ नौजवान इस कदर भटके हुए आते हो रहे, पूछा अल्लाह में है जी? हाँ अल्लाह में है जी, नहीं तो शुबा कर रहे हैं लोग, क्या है कि अल्लाह में है कि नहीं? अल्लाह है और हर जगह है, अल्लाह है हर जगह है, फर्क यह है कि हम उनको नहीं देख सकते, वो हम सबको देख सकते। तो उनको बोलना अरे कैसा मानना, इसलिए मानना बहुत सी चीजा नहीं देखने के बावजूद मानते आप, नहीं देखने के बावजूद आप क्या करते हैं उसको मानते हैं। पूछना उनको तुमको अक्ल है, क्या पूछना आपको अक्ल है? बोले देखे क्या? नहीं मानते नहीं मानते। कैसा माने आप? जवाब यही है, एक आदमी बराबर वक्त पर काम करता है, वक्त पर देह लिखता है, पढ़ता है, ऑफिस जाता है, सर नौकरी बराबर कर रहा है, इसके अंदर अलामत अक्ल है। दूसरा आदमी सीधा जाता घूर पे जाके कचरा चुनते रहता है, ये देख के हंसते रहते, समझ में आया? अकल नहीं, ना इसकी अकल को आप देखे ना उसकी अकल को देखे, पहचाने कैसा? अलामतों से पहचाने। कैसे पहचाने? अलामतों से पहचाने। एक आदमी मुर्दा है, एक आदमी जिंदा है, मुर्दे को बोले मुर्दा है, क्या रूह देखे क्या उसकी? नहीं देखे। जो जिंदा है उसकी रूह देखे क्या? नहीं देखे। फिर भी आप बोल रहे ये जिंदा है, देखे क्या रूह? नहीं देखे। कैसा पहचान? अलामतों से। इन मर मुर्दा पड़ा हुआ है, हर गति
इसमें पूरी हरकत है, जा रहा आ रहा का मतलब वो है, किसे पहचाने अलामत से। दूसरी मिसाल जहन में रहेंगे ना सब मिसाल। तीसरी मिसाल आप, तीसरी मिसाल ये है कि आप बेचैन होके जो है चार्जर ढूंढ रहे हैं, क्या सब, अरे मेरी बैटरी मर रही, बैटरी मर रही तो दिख रहा क्या, बैटरी तो अंदर पड़ी हुई, तो नहीं बोलता वो नशानी है ना लाल लाल बता रहे, वो नंबर हमें कम आके तीन बता रहा, दो एक के बाद मरीज जाने वाला, बैटरी मरने वाली है, बैटरी को नहीं देखे मगर बोल रहे मरने वाली, किसको देखे, नंबरों को देखे, अभी फोन पे बात कर रहे हैं। चौथी मिसाल, तीसरी मिसाल हो गई, चौथी मिसाल, बात करते करते आवाज नहीं आ रही, देखे तो एक या दो पत्तियां बता रहे, क्या हुआ जी बात नहीं हो रही, नहीं दिया नटवारी नहीं आ रहा, कभी दो पत्तियां बता रहा कभी एक की भी आधी बता रहा, नटवर को देखे क्या, अरे बोलो नहीं देखे, नटवर तो कहाँ की पड़ा हुआ है, लेकिन वहां की नशानी से पहचान गया। कितने मिसाले हैं, चार मिसाले हैं रखी है ना, तो ऐसे ही पूरी दुनिया में आसमान और जमीन, चांद और सूरज, दिन और रात, हैवानात नबातात, इंसानों का जिंदा हो पैदा होना मरना, खेतियों का, तरकारियों का, गल्लों का, अनाजों का, फ्रूटों का, तरकारियों का, सब वजूद में आना, इस बात की अलामत है अल्लामिया मौजूद है। समझ में आ गई बात, याद रहेगा ना, कुल हुवल्लाहु अल्लाहुस लम यलिद व लम युलद, अल्लाह वो जात है ना वो किसी के बाबा है ना वो किसी के बेटे है, अल्लाह में वो है ना किसी के उनके बाप है ना उनके कोई बेटा है। यहाँ ईसाइयां निकल गए, क्या बोलते हैं ईसाई, हजरत ईसा अलैहि सलाम अल्लाह के बेटे हो, नऊज़ु बिल्लाह मिलता है, बेटे की जरूरत उसको पड़ती है जिसके मरने के बाद उसका नाम जिंदा हो, जो हमेशा से हमेशा रहने वाला है उसको बेटे की क्या जरूरत, उसको बेटे की कोई जरूरत नहीं। बाद ईसाई हजरात बच्चों के ईमान को खराब कर दे, एक ईसाई बोलने लगा घड़ी को देखे, हाँ देखे कैसी चलती, बोले तीन काटे हैं, बोले हाँ तीन काटे, एक काटा घंटे का है, दूसरा काटा मिनट का है, तीसरा काटा सेकंड का है, मालूम हुआ पूरी दुनिया ये तीनों पे चल रही, कौन, अल्लाह मियां, ईसा अलैहि सलाम, मरियम, परेशान हो ना, अरे तीनों काटे हो कम्बक पीछे मशीन ना हो ये काटे चलेंगे, कोई एक मशीन है जो तीनों काटो को चला रहा है, तौहीद जरूरी है, आज भटका रहे हमारे बहुत से बच्चों, तो इसलिए ये जरूरी है हमारे अपने ईमान को महफूज रखने के लिए, कुल या अय्युहल काफिरून कुल हुवल्लाह वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, अल्लाह के बराबर का कोई नहीं, वलम यकुल लहू कुफुवन, ये दो सूरे तर्जुमा याद करो, हर हर बच्चे को बच्ची को याद दिलाओ, इंशाअल्लाह कभी ये मुर्तद नहीं होंगे, कभी दीन इस्लाम नहीं छोड़ा, ये मेहनत करने की जरूरत है।